नहीं, बहुत धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे क्षेत्र के जो मतदाता हैं, जिन लोगों ने तीसरी बार बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। अभी काउंटिंग चल रही है और मैं इसे आशीर्वाद मानता हूं जो हमारे पक्ष में हवा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हम दिल्ली की सातों सीटें जीत रहे हैं, काउंटिंग में सातों सीटें एक अच्छी मार्जिन से हम आगे चल रहे हैं, और देश में भी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है। हमारी एनडीए की काउंटिंग लगभग 300 के आसपास है। निश्चित रूप से हम जितना सोचे थे उतना तो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन काउंटिंग जारी है। हमें अभी भी आशा है कि ये टैली 300 के ऊपर जाके रुकेगी, मगर नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, बीजेपी का मतलब सेवा है। हम एनडीए के लोग अपनी सेवा पे आगे चलते रहेंगे। लेकिन मनोज, ऐसे राज्यों में जो लग रहा है, क्या वजह मानते हैं आप, कहीं पर चूक रह गई? देखिए, अभी तो काउंटिंग चल रही है, इसलिए मैं कोई फाइनल वर्जन तो नहीं दे सकता, लेकिन जो भी होगा, एनडीए की सरकार तो बन रही है, मगर इसमें जहां जहां जैसा आएगा हम उसकी समीक्षा करेंगे, उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। एक जो चंद्रबाबू नायडू दोनों लोगों से संपर्क साध रहे हैं, दोनों एनडीए के घटक दल हैं, तो कहीं मुश्किल नहीं आएगी अगर थोड़ी भी कमी रह गई तो? नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल हमारी एनडीए एकजुट है और एनडीए इस देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ेगी।